वेलकम टू एवरीडे किचन एंड क्राफ्ट। आज हम बनाएंगे भगर के लड्डू। ये लड्डू बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमने एक कप लिए है भगर यानी कि समाक के चावल, आधा कप चीनी, इसे हमें बारीक पीस लेना है। यह है 1/4 कप साबूदाना, आधा कप शुद्ध घी और करीब 1 टीस्पून कार्डमम पाउडर। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे भगर। हमने करीबन 1 कप भगर ली है और इसे हमें धीमी आंच पे करीबन 8 से 10 मिनट के लिए भून लेना है। भगर का कलर चेंज होने तक हमें इसे अच्छे से भूनना है। ये भगर अच्छे से सिक चुकी है, हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हमने इसे बारीक पीस लिया है, इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। दूसरी तरफ हमने 1/4 कप साबूदाना लिया और हमने इसे भी अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है। भूनने के बाद साबूदाना क्रंची हो जाता है। करीब 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भूनने के बाद हमारे ये साबूदाना अच्छे से रोस्ट हो गया है, हम इसे भी ठंडा होने देंगे। रोस्टेड साबूदाना के भी हम पाउडर बना लेंगे। तो हमने रोस्टेड भगर की पाउडर एक बर्तन में ले ली है, उसी में हम डाल देंगे रोस्टेड साबूदाना की पाउडर, थोड़ी इलायची पाउडर, पाउडर्ड शुगर, मैंने आधा कप शुगर को क्रश करके पाउडर्ड शुगर बना ली है। आप आपकी पसंद के हिसाब से चीनी की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पिघला हुआ शुद्ध घी। हाथ से इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इस रेसिपी के लिए मुझे करीबन 1/2 कप घी लगा है। इस मिश्रण में हमने घी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम लड्डू बनाएंगे। तो 1 कप भगर से आप करीबन 15 लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। ये मैंने मीडियम साइज लड्डू बनाए हैं। तो ये हमारे भगर के लड्डू बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप भी इन्हें घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एवरीडे किचन एंड क्राफ्ट।